हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 12वीं अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर अपना दूसरा चल रहा है, और इसमें जो रचनाकार हैं वो हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी की एक कविता हमने कल पढ़ी थी और उसका शीर्षक था कविता के बहाने, जिसमें यांत्रिकता के दौर में, मशीनीकरण के युग में कविता के अस्तित्व को बचाने और उसका महत्व सिद्ध करने की बात कवि ने कही थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो एक नए कवियों को सुझाव देते हुए, इसमें कवि कह रहा है कि भाषा की सहूलियत जो है उसे हमें अपनाना चाहिए। आजकल के कवि क्या करते हैं, प्रशंसा के चक्कर में, प्रसिद्धि पाने के चक्कर में, वाहवाही लूटने के चक्कर में एक कार्य करते हैं, और वो कार्य यह है कि वो भाषा को जैसा चाहते हैं ना वैसा तोड़ देते हैं, भाषा में अवांछित परिवर्तन कर देते हैं जो नहीं होने चाहिए। और इन अवांछित परिवर्तनों के कारण जो भाषा का मूल स्वरूप होता है वो मूल स्वरूप बिगड़ जाता है। यानी जिस बात को कहने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए था उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं कि उसके पर्यायवाचियों का प्रयोग कर दें या अन्य बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर दें जो उसके लिए प्रयुक्त लगभग किए जा रहे हैं। तो ऐसा करने के कारण क्या होगा, ऐसा करने से उस भाषा का स्वरूप बिगड़ जाएगा, और जो भाषा है ना उस बात के अर्थ को स्पष्ट करने में नाकाम हो जाएगी। तो कवि कहता है कि जो बात हमारे मन पर है, जो विचार हमारे हृदय में है, उस बात को वैसे ही सीधे तरीके से, सटीक तरीके से, सामान्य शब्दों में कहना चाहिए। उसमें कहीं भी अलंकारिकता का, श्रृंगारिकता का, दिखावे का प्रपंच नहीं करना चाहिए। इस दिखावे के चक्कर में, अलंकारिकता के चक्कर में भाषा अपना मूल स्वरूप जो है खो देती है। तो भाषा का सही प्रयोग क्या है, भाषा का सही प्रयोग यह है कि जैसी बात है उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आना चाहिए उसी शब्द का प्रयोग करें, अन्य शब्दों का प्रयोग उसके लिए ना करें। अगर अन्य शब्दों का बनावटी प्रयोग करेंगे तो भाषा मूल स्वरूप खो देगी, अपना अर्थ भी स्पष्ट नहीं कर पाएगी। इसमें लेखक कवि एक बात कहता है आगे चल करके, जैसे एक पेच होता है, देखा है आपने एक पेच, लोहे का जो पेच होता है उस पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, होता नहीं होता है, अगर उसमें उस निश्चित खांचे में उस पेच को कसेंगे, जो उसके लिए निर्धारित खांचा है उसमें अगर उस पेच को कसेंगे तो कस जाएगा नहीं कस जाएगा, कस जाएगा, सही कस जाएगा, उसमें अच्छा कसाव भी आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए खांचा छोटा है और आपने अनमेल पेच ले लिया जो उसका मेल का ही नहीं है, उस पेच को आप उसमें कसेंगे तो बताओ खांचा भी खराब हो जाएगा और पेच की भी चूड़ी मर जाएगी, तो पेच भी खराब और खांचा भी खराब, बताओ दोनों काम होंगे नहीं होंगे, होंगे ना। इसलिए कवि कह रहा है कि भाषा का सही स्वरूप अपनाना चाहिए, और सही स्वरूप अपना करके ही कविता अधिक प्रभावी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहा है कि बात तो बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल सामान्य सी बात थी, लेकिन भाषा के चक्कर में पड़कर, भाषा के उलझन में पड़कर वो बात कैसी हो गई, टेढ़ी हो गई, कठिन हो गई, क्लिष्ट हो गई। यानी कि उस भाषा को हमने उलट दिया, पलट दिया, घुमा दिया, फिरा दिया, है ना, अलंकारों का प्रयोग कर दिया, नए बिंबों का, प्रतीकों का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण वो बात कैसी हो गई, पेचीदी हो गई, कठिन हो गई। वो बात अपने, वो जो भाषा थी वो अपने अर्थ को, मूल अर्थ को स्पष्ट करने में क्या हो गई, असफल हो गई। उसे पाने की कोशिश में फिर क्या किया जाता है, जो बात बिगड़ जाती है उस बिगड़ी हुई बात को फिर से बनाने के लिए उसे फिर उलटते हैं, पलटते हैं, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बन जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए। भाई दो ही बात होगी, जब हम किसी बात को कहना चाहते हैं
और उस बात को अलंकारिक ढंग से पेश करने के चक्कर में, श्रृंगारिक ढंग से पेश करने के चक्कर में नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं, है ना, नए रसों का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाषा में जब अवांछित परिवर्तन किए जाते हैं, है ना, तो भाषा में अवांछित परिवर्तन करने से भाषा अपना मूल स्वरूप खो देती है और जो उसकी अर्थ को प्रदान स्पष्ट करने की जो सामर्थ्य होती है, अर्थ को स्पष्ट करने की जो क्षमता होती है, वो भी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इस भाषा के चक्कर में पढ़ करके जो बात होती है वो कठिन हो जाती है और पेचीदा हो जाती है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मतलब ये हालत कैसी हो जाती है, एक उदाहरण के माध्यम से कवि कुंवर नारायण समझाते हैं कि ये हालत तो ऐसी हो जाती है जैसे सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यानी इस पंक्ति, इसका, इस पद्यांश का जो मतलब है वो यह है कि मान लीजिए एक पेच को कसने के लिए खांचा निर्धारित होता है, ठीक है, और निर्धारित खांचे में, जो निश्चित खांचा है, उस निश्चित खांचे में अगर चूड़ी वाले पेच को कसेंगे, ठीक है, तो चूड़ी वाले पेच को कसने से जहां तक वो खांचा होगा, जहां तक उस पेच में चूड़ियां होंगी, वहां तक वो पेच कस जाएगा। अब ये तो उसकी निर्धारित बात है, लेकिन अगर मान लीजिए उस खांचे से ज्यादा, जो खांचा है उससे ज्यादा अगर उस पेच को कसना चाहेंगे और बार बार उसको कसते ही जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे वो खांचा जो है ना, उस खांचे का जो आकार है वो आकार बढ़ जाएगा और उस पेच की क्या मर जाएंगी, चूड़ियां मर जाएंगी। अब वो ना तो खांचा काम का रहेगा और ना वो पेच काम का रहेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों करता है, ऐसा करने के पीछे कारण होता है कि जो तमाशगीर होते हैं, जो बाहर तमाशा देखने वाले लोग होते हैं, प्रशंसक जो लोग होते हैं, वो देखने वाले दर्शक क्या करते हैं, वो देखने वाले लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, वाह वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, इस तरह की वो बात करेंगे, इस तरह की प्रशंसा लूटेंगे। तो एक जो कवि होता है वह कभी भी उस भाषा में नाजायज अवांछित परिवर्तन इसलिए करता है, नए अलंकारों का, बिंबों का, प्रतीकों का, अलंकारों का प्रयोग इसलिए करता है ताकि पाठक लोग उसे क्या दें, महानता दें, पाठक लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी प्रसिद्धि का गुणगान करें पाठक लोग। इसलिए वो कवि क्या करता है, उस भाषा में नए नए परिवर्तन कर देता है। और जबकि ये क्या है, ये भाषा के साथ जो अवांछित छेड़खानी है वो गलत है, ऐसा करने से भाषा अपना मूल स्वरूप खोती है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी कि फिर क्या होता है, फिर होता यह है कि लेखक कवि को भी इस बात का डर था, कवि जब शुरुआत करता है उसमें अलंकारिकता डालने की, उसको श्रृंगारिक बनाने की, भाषा में अवांछित परिवर्तन जब करने की कोशिश करता है, उस समय उस कवि को इस बात का डर रहता है, उस रचनाकार को इस बात का भय रहता है कहीं ऐसा ना हो कि बात की जोर जबरदस्ती करने से, अवांछित प्रयोग करने से बात की चूड़ी मर जाए। यहां बात की चूड़ी मरने का मतलब है कि बात का जो प्रभाव है वो खत्म ही हो जाए। और ऐसा ही होता है, कैसा होता है कि जो बात हम कहना चाहते हैं, जो साफ सीधी सरल बात होती है, सहज जो बात होती है, जब उस बात को हम बनावटीपन से कहेंगे और किसी तरीके से कहेंगे, कलात्मक ढंग से लोगों के सामने पेश करेंगे, तो वो बात उतनी प्रभावी नहीं रहेगी, उतनी सीधी बात नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं एक बात कहता हूं, सुनिए ध्यान से, एक तो मैं कहता कहूं किसी से कि भाई भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, गौर सुनना कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। अब ये बात मैं किसी से कहूं तो दूसरे लोगों को मेरी बात समझने में देर लगेगी क्या, नहीं लगेगी ना, दूसरे लोग मेरी बात को आसानी समझ जाएंगे ना। तो इसका मतलब जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल मुझे करने चाहिए था उनका मैंने इस्तेमाल कर दिया, मेरी बात प्रभावी हो गई, दूसरे लोगों को समझ में भी आ गई। और अगर मैं क्या कहूँ, अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूँ कि अजा सहेली तासो रिपु ताजन्नी भरतार
ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। अब बताओ कौन क्या समझेगा, इसका मतलब क्या होता है? अजा सहेली बकरी की सहेली भेड़, तासु रिपु भेड़ का शत्रु, वो एक चिड़चिड़ा सा होता है कांटे वाला वो, ताजन्नी उसकी माता धरती, ताका सुत इंद्र, ताके सुत के मित्र को, और इंद्र का सुत माना जाता है कौन? अर्जुन, के अर्जुन का मित्र माना जाता है कृष्ण को भजिए बारंबार। अब बताओ कौन समझेगा इसको, कोई नहीं समझेगा ना। तो अलंकारिकता के ढंग में छंदों के चक्कर में बात उलझ गई ना, यही तो मैं कभी कहना चाह रहा है, यही तो कभी कह रहा है कि भाषा के चक्कर में, छंदों के चक्कर में बात पेचीदा हो जाती है, क्लिष्ट हो जाती है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है वो, और वो कैसे घूमने लगती है, बेकार हो जाती है, कोई मतलब की नहीं होती, कोई उसमें अर्थ नहीं होता, कोई भाव नहीं होता, कोई उसका प्रभाव भी नहीं होता। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, और जब उस खांचे में उस पेज को वो कसता ही जा रहा था, उस खांचा भी खराब हो गया, उसकी चूड़ी भी मर गई, फिर क्या किया उसने, जब उसे झुंझला करके जब गुस्सा आ जाता है, जब वो बात बनने में नहीं आती है, तो पता है फिर कभी क्या करता है, उस पेज को वही ठोक देता है, हथौड़ा लेकर के उसे उसी जगह पर ठोक देता है दीवार में। अब बाहर से दिखने पर तो कैसी लगेगी कि भाई पेज ठुक गया है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ लगाकर देखेंगे तो उस वो तो सीधी सीधी बाहर आ जाएगी, वो जो पेच है वो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कसा भी नहीं होगा, पेच की चूड़ी मर गई होती है, और वो छेद होता है जो खांचा जो होता है वो बड़ा बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, तो खांचा भी खराब, पेच भी खराब, और सारी अब तक की जो मेहनत की गई थी वो मेहनत भी खराब, कोई काम भी नहीं आया। तो कवि यही तो कह रहा है कि अंदर से न तो उसमें कसाव था, न उसमें कोई ताकत थी, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब कभी आगे अंत में कहता है कि बात जो होती है वो कैसे खेल रही होती है हमारे मन पर, जैसे एक शरारती बच्चा है ना, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से, बिल्कुल सहज तरीके से, सीधी सरल तरीके से वो बात हमारे मन पर खेल रही होती है, हमारे मन में आ रही होती है, और हम उस मन की बात के अनुसार शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, उस शब्द के लिए, उस अर्थ के लिए और जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके कारण वो बात क्लिष्ट हो जाती है, पेचीदी हो जाती है, अपना अर्थ गंवा देती है ना। जो कवि कहता है कि ये क्या है, ये बेकार की बात है ना। जब हम पूरी तरह परेशान हो गए थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हार थक करके उसको कील की तरह ठोक दिया था, तब उस बात ने, उस भाषा ने लेखक से पूछा कि क्या तूने भाषा को सहूलियत से बरतना अभी तक नहीं सीखा। या भाषा को सहूलियत से बरतने का तात्पर्य है, जैसी बात है, सहज सरल जो बात है, उस सहज सरल बात को स्पष्ट करने के लिए सहज सरल शब्दों का ही क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। जो शब्द उसके लिए वांछित हैं, निर्धारित हैं, उन्हीं शब्दों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बात प्रभावी भी होगी, अच्छी भी होगी, आकर्षक भी होगी, और लोगों को प्रेरणादायी भी होगी। लेकिन भाषा के चक्कर में उलझ करके बात पेचीदी हो जाती है, कठिन हो जाती है, और अपना मूल स्वरूप जो है वो गंवा देती है। तो यहाँ कवि जो है यही बात कहना चाह रहा है कि आजकल के जो कवि हैं, जो नए कवि हैं, अपने आप को बड़ा कवि बनाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि अपनाने के लिए वो क्या करते हैं, भाषा के साथ नाजायज छिड़खानियाँ करते हैं, उसे भाषा के चक्कर में उलझा देते हैं, और भाषा के चक्कर में उलझ कर के बात बेबात हो जाती है, उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। भाषा का सही प्रयोग यही है कि जैसे जैसी बात है उसके अनुसार सहज सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है।